हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपीपीएससी सीसैट इंग्लिश के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। आज हम इस वीडियो में टेंसेस पढ़ने वाले हैं। टेंसेस को पूरा खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो में। आप जानते हैं टेंसेस हमारे कोर्स में नहीं लिखा गया है यूपीपीएससी सीसैट इंग्लिश वाले में, जितने चैप्टर हमने आपको दिखाए थे यूपीपीएससी के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में, लेकिन टेंसेस यहाँ पर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए, जहाँ से चार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं 16, 17 या 20 में से। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस तभी कर पाएंगे जब आपको टेंसेस पर पूरी जानकारी होगी। तो इस पूरे 40 45 50 मिनट के वीडियो में टेंसेस पर बारीकी से विश्लेषण करेंगे, आप अच्छे से सारे रूल समझ जाएं, जिससे कि बाद में जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्टिव पैसिव में जो टर्म यूज़ करें वो आपको अच्छे से समझ में आते रहें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप है बेसिकली वो टेलीग्राम में, और उसमें पूरा गाइडेंस आपको किया जाएगा यूपीपीसीएस 2019 के प्रीलिम्स एग्जाम्स तक के लिए। ठीक है, और हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए भी कोर्स चल रहा है, उसमें पूरा जीएस का मटेरियल, बिहार का मटेरियल आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा पेड ग्रुप की क्वेरी के लिए और पेमेंट वगैरह प्रोसीजर जानने के लिए। आइए चलिए अब शुरुआत करते हैं, टेंसेस पर आते हैं। टेंसेस का मतलब काल होता है, आप जानते हैं जैसे हिंदी में काल होते हैं वैसे यहाँ पर टेंसेस होते हैं हमारे। टेंसेस 12 तरह के होते हैं, ठीक है, तीन मुख्य तरह के होते हैं, उनके 12 सब पार्ट होते हैं और सभी के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान काल होता है प्रेजेंट टेंस, भूतकाल होता है पास्ट टेंस और भविष्य काल होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, हम सब कुछ समझेंगे कि कौन कौन से पहचानने के तरीके होते हैं, कौन कौन से काल के विभाजन होते हैं, सब यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होंगे, इसके चार प्रकार, इसके चार प्रकार, तो कुल मिला के 12 सब टाइप्स हमको पढ़ने हैं यहाँ पर। सो चार उप प्रकार क्या होते हैं, सिंपल टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। अब जो जो हमारे ये मेन टेंस है इनको मिला करके बनते हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट टेंस के सब टाइप्स की बात करें तो बनेगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल सॉरी कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस उसको बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसी प्रकार से भूतकाल का बन जाएगा, पास्ट लग जाएगा इन सभी पर, पास्ट सिंपल टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इन सभी के प्रकार हमको देखने होते हैं, जो उन्हीं का यूज़ होता है मेनली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक्टिव पैसिव में। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल होता है, तो वर्तमान में जो बात कही जा रही है, बोली जा रही है, लिखी जा रही है, उसको जब एक्सप्रेस करते हैं तो प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, साथ ही साथ देखिए हिंदी में भी लिख रखा है, जैसे हिंदी मीडियम वालों को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए अगर इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ना होता, जैसे इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ाई जाती है विदेशों में, फॉरेन में ब्रिटिश इंग्लिश जो लोग सीखते हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये वर्तमान और भूत ना लिख करके डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दूँ उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे बुक्स में भी लिखा रहता है, आपको समझ में आना चाहिए हर चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पर आते हैं। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट की बात को शो करता है, ये आपको पता है। अब इसके सब टाइप पर बात करते हैं। तो पहला सब टाइप होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने बताया ना आपको कि चार उप प्रकार होते हैं हर काल के, इन तीनों के चार चार होते हैं यानी कि 12। तो वो सबसे पहले प्रेजेंट पर आएंगे तो बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं, ये वर्तमान काल की किसी आदत या हमेशा होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका लेटेस्ट उपयोग भी बता देता हूँ आपको, जैसे कि कोई न्यूज़ छपती है पेपर में, उसमें भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसी टेंस का। ठीक है, जैसे अगर किसी की मृत्यु होती तो लिखते हैं कि डैश डाइस, ठीक है, या फिर लिखते हैं न्यूज़ वाले इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा पासेस अवे, अटल श्री अटल बिहारी पासेस अवे, यानी कि उनकी मृत्यु हुई। तो ये तीन चीज़ें हैं जहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ देखने को मिलेगा, आदत, ठीक है, और हमेशा होने वाली क्रिया। वाक्य की पहचान कैसे करते हैं, अगर हिंदी में कोई वाक्य लिखा हो और आपको पहचानना है कि वो इंग्लिश के किस टेंस में आएगा, तो आप देखोगे कि जिसमें ता है लगा होगा, जिसमें ती है लगा होगा, जिसमें ते है लगा होगा, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी चार उप प्रकार बनेंगे और हमेशा हर टेंस के बनेंगे। एक तो सकारात्मक वाक्य बनता है, एक आपका बनेगा नकारात्मक वाक्य, एक बनेगा प्रश्नवाचक वाक्य और एक बनेगा आपका नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, हर टेंस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 12 ये हो गए और ये चार हर 12 के ये हो गए, तो कितने 48। बहुत आसान है आपको बल्कि लग रहा होगा, लेकिन आप देखोगे मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आप टेंस पर बहुत अच्छे से कमांड हासिल करने वाले हैं। अगर मैंने लिख दिया कि वह कार्य करता है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस होगा, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है। इसको आप इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में लिखने का प्रयास करिए। मैं लिखूँगा इसको ही वर्क्स, ठीक है, तो बस बन गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, उसके साथ हमने वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म ली है और एस लगा दिया है इसमें। इसी तरह के रूल्स आपको देखने, सकारात्मक वाक्य अब बनाएंगे जैसे मैंने बनाया था कि वह कार्य करता है। तो हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये सब्जेक्ट क्या हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने। सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है। वर्ब हमने पढ़ाई हुई है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आपने देखा होगा पार्ट ऑफ स्पीच के चैप्टर, उसमें उसमें एस या ई एस लगा करके हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है तो ऐसे लिख देते हैं। एस या ई एस थर्ड पर्सन के साथ लगता है वर्ब में, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि मैं बाजार जाता हूँ, तो इसमें मैं क्या है, मैं हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। तो मैं बाजार जाता हूँ, तो इसमें मैंने आई गोस नहीं लगाया, ठीक है। आई गोस लगा देते हैं तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें रूल हमारा ये कहता है कि हम फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम थर्ड पर्सन लेंगे, जैसे लिखा है कि वह स्कूल जाता है, तब हमने यहाँ गो को ई एस लगा करके गोस बनाया है, क्योंकि वह थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन होता है कि मैं और तुम को हटा के जितने भी पर्सन है वो थर्ड पर्सन आ जाएंगे। वो ही भी हो सकता है, वो किसी का नाम भी हो सकता है, वो बंटी भी हो सकता है, वो कुक्कू भी हो सकती है, वो नवाजुद्दीन भी हो सकता है, ठीक है, वो सरताज भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू के साथ हम प्ले ही लगाएंगे। यू प्लेज अगर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन के लिए और सेकेंड पर्सन के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं प्रेजेंट टेंस में, लेकिन अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन आ जाता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाने लगते हैं। बस ये आपको समझना था। अफर्मेटिव हो गया, अब आप निगेटिव बना सकते हैं बहुत आसानी से। निगेटिव कैसे बनता है, निगेटिव में बस नॉट लगाना है, डज नॉट लगाना है, बस हो गया आपका काम। डू डस किस हिसाब से लगेगा, जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ डू लगेगा और थर्ड पर्सन के साथ डज लगेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस ले रहे थे वर्ब में, ठीक है। और जब इसकी ऑक्सिलरी बनाएंगे तब भी इसके साथ एस या ई एस लेंगे, सिंपल सी बात है। मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा हूँ याद करवाने पे, मैं फोकस कर रहा हूँ समझाने पे, ठीक है। आप एक सेंटेंस लीजिए, आप उसके सारे के सारे फॉर्म बना करके लिख सकते हैं। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, मैं बाजार जाता हूँ, हमने लिखा, अगर मैं इसको निगेटिव बनाना चाहूँ तो इसमें हमको निगेटिव बात लानी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको निगेटिव बनाने के लिए कि मैं बाजार नहीं जाता हूँ, सिंपल, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आई डू नॉट गो टू द मार्केट, हम लोग लिखेंगे आई डू नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है। इसमें लिखा है तुम क्रिकेट खेलते हो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तुम क्रिकेट नहीं खेलते तो इसका क्या बना देंगे, यहाँ पर लिखेंगे यू डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट प्ले क्रिकेट, सिंपल। उसी प्रकार से ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर हो गया यू डो नॉट प्ले क्रिकेट। वह स्कूल नहीं जाता है, तो जब हम स्कूल इसको भेज रहे थे तो क्या लिखते थे, ही गोज टू स्कूल। लेकिन अब हमको इसकी ऑक्सिलरी वर्ब लेनी है, तो हम यहाँ पर गोज की जगह डज ले रहे हैं, डज नॉट ले रहे हैं, ठीक है, डज नॉट गो ले रहे हैं। तो यहाँ पर डू नॉट गो नहीं होगा, इसके साथ डज नॉट गो लगेगा। अब आप समझ गए होंगे हमने ही के साथ डज क्यों लिया, डू क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हम इसकी वर्ब की फॉर्म लगा रहे थे तब उसके साथ ई एस लगा रहे थे, ठीक है। अभी सेंटेंस है सूर्य पूर्व में उगता है, आप इसका अफर्मेटिव का भी हमको लिख करके कॉमेंट में बताइए, ठीक है, और इसका निगेटिव सेंटेंस भी बना करके कॉमेंट में लिख करके बताइए। निगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जो प्रश्न पूछ रहा होता है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य भी दो तरह का होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नॉट भी लगा होता है। बहुत आसान है ये, डू डस और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें वर्ब की फॉर्म को नहीं छेड़ना है, इसमें खाली ऑक्सिलरी इधर उधर करनी है। ऑक्सिलरी किसके हिसाब से होगी, पर्सन के हिसाब से। अगर कोई थर्ड पर्सन होगा तो डज लेगा अपने साथ, फर्स्ट और सेकंड पर्सन होंगे तो क्या लेंगे, डू लेंगे। देख लेते हैं एग्जाम्पल, हम लोग इसमें लिखा है क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तुम की, यानी कि सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन के साथ क्या लेंगे, डू लेंगे। हम अब वह की बात कर रहे हैं, वह क्या है, थर्ड पर्सन है, तो हम उसके साथ डज लेंगे। हम सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य भी एक थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम डज लेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या मैं जाता हूँ, तो मैं इसका क्या बनाऊँगा, तो मैं के साथ हम क्या लेंगे, ऑक्सिलरी, हम डू लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डू आई गो, बहुत सिंपल, इस तरीके से होता है। नकारात्मक प्रश्नवाचक में क्या करना है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट आ जाना है बस। जैसे हमने क्या लिखा था, जैसे तुमने लिखा था कि तुम क्रिकेट खेलते हो, बस हमने लिखा क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो डू यू के बाद नॉट आ गया, ठीक है।
डज ही के बाद नॉट आ गया, हमने कहा ना वर्ब के फॉर्म से पहले और सब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद में हमको नॉट लेना है, बस ये फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य में। एक सब टाइप हमने आसानी से ख़त्म कर लिया, अब बाकी खेल की तरह पढ़ ले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बस आप ये समझिए कि पहचान क्या है, वाक्य की पहचान कैसी होगी, यहाँ पर क्रिया के बाद रही है या रहे हैं लिखे होंगे, या फिर उसके बाद में हूँ हैं का प्रयोग होगा, ठीक है, रही है रहे हैं रही हूँ, ये सब होगा इसमें, तो ये बनेगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि कोई क्रिया जारी है ये पता चलता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कुकु स्कूल जा रही है, ठीक है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, वे बाजार जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है, स्कूल जाया जा रहा है, अंग्रेजी सीखी जा रही है, बाजार जाया जा रहा है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर इस एम आर, अब तीन ऑक्सिलरी हैं इनको समझना है, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, वर्ब इससे छेड़छाड़ नहीं होगी किसी भी सेंटेंस में, नेगेटिव में, अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव में, किसी में भी नहीं। आईएनजी फॉर्म लगेगी वर्ब के साथ और ऑब्जेक्ट आएगा अगर प्रेजेंट है तो, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सिंपल। जैसे आप सेंटेंस से समझिए, ये आप रटने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपने दिमाग में छप लेंगे जब इसको समझ लेंगे। जैसे मैंने लिखा कुकू स्कूल जा रही है, कुकू या कोई भी सब्जेक्ट स्कूल जा रहा है थर्ड पर्सन, तो उसके साथ हम लेंगे इज गोइंग, ठीक है। हम लोग एम किसके साथ लेंगे, हम लोग एम लेंगे सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ, और आर लेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, यू लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो समझ गए आप, आर कहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लेना है, यू मतलब आर किसके साथ लेना है ऑक्सिलरी प्लूरल सब्जेक्ट तो यू के साथ, और फर्स्ट पर्सन यानी आई के लिए क्या लेना है, एम लेना है, बाकी के लिए इज लेना है। बहुत आसान है ये, याद करने वाली चीज़ नहीं है। जैसे हमने कुकू के लिए क्या लिया, कुकू इज गोइंग टू स्कूल लिया है ना थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर होता कुकू एंड काली गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी क्या होती, क्या यहाँ पर फिर से इज होती, नहीं, फिर यहाँ पर होती आर, कुकू एंड काली आर गोइंग टू स्कूल, तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है कुकू और काली दो लोग हो गए, तो अब यहाँ पर इज नहीं आएगा ना, एम आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आर, ठीक है। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो आई हमने, मैं के साथ हमने क्या लिया, आई लिया है ना, इज लेंगे इसके साथ ना आर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर एम लेंगे इसके साथ। वे बाजार जा रहे हैं तो यहाँ पर लेंगे हम आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लेना है, आर लेना है, सिंपल सी बात है। सकारात्मक में आपने अच्छे से समझ लिया इज एम आर का यूज़, और यहाँ पर आई एन जी कैसे लगाएंगे, बस आप खेल खेल में इसको कर लेंगे। अब कुकू स्कूल नहीं जा रही तो कुकू इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वही बात कर लें, अगर कुकू और काली होते यहाँ पर सब्जेक्ट, तो कुकू एंड काली आर नॉट गोइंग टू स्कूल, नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हो जाता हमारा। वे बाजार नहीं जा रहे हैं तो हमने दे के साथ क्या लिया, आर लिया है, ठीक है। अगर मैं कह देता तुम बाजार नहीं जा रहे हो, तुम बाजार, तो हम लिख देंगे यहाँ पर यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, देख उठा के यू कर देंगे, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ तो हम आई के साथ एम लेंगे, लर्न यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, हमने आई एन जी लगा दिया है सबके साथ, गो के साथ आई एन जी लगाया है, गो के साथ आई एन जी लगाया है, लर्न के साथ आई एन जी लगाया है, बहुत सिंपल है। अगर बहुत लोगों ने इसको पढ़ भी रखा होगा तो चाहे तो इसको जल्दी जल्दी बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक है। अब प्रश्नवाचक क्या पर आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सिलरी सबसे पहले आ जाएगी, बाद में सब्जेक्ट आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे कुकू की बात हो रही थी तो हमने कुकू के साथ जो ऑक्सिलरी पीछे ली थी, कुकू के साथ हमने इस लिया था ना, तो अब जब प्रश्नवाचक बनेगा तो कुकू बाद में आ जाएगा, इस पहले आ जाएगा, ये कन्वर्जन बस ध्यान रखना है। इस कुकू गोइंग टू स्कूल, आर दे गोइंग टू द मार्केट, एम आई लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर आई एम लर्निंग इंग्लिश, जिन लोगों ने लिख दिया और फिर प्रश्नवाचक लगा दिया उनका गलत हो जाता है, ठीक है। तो यही लोग जल्दी गलती करते हैं, ऑक्सिलरी नहीं लगाते हैं, जो लोग इनकी ख़राब इंग्लिश होती है, जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, वो दे पहले लगा देते हैं, आर बाद में लगा देते हैं, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, फिर कहते हैं कि हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं, गलत होता है, ठीक है। तो इस कुकू गोइंग टू स्कूल, अगर यहाँ पर एक बार फिर से कुकू और काली दो लोग होते, कुकू एंड काली, तो हम यहाँ पर कहते आर कुकू एंड काली गोइंग टू स्कूल, ये लगाते। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य की अगर हम बात कर लें, निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बोलेंगे, इसकी संरचना कैसे होती है, यहाँ पर इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, बस नॉट आ जाएगा। देखिए निगेटिव इंटरोगेटिव में बस यही होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आना चाहिए, ये फॉर्मेशन बस आप ध्यान रखिए। सब्जेक्ट के
बाद में वर्ब से पहले नॉट आना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कुकू है, वर्ब यहाँ पर क्या है, गोइंग है, तो इसके बीच में नॉट आना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ते है, वर्ब क्या है, गोइंग है, तो बीच में नॉट आना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, यहाँ पर वर्ब क्या है, लर्निंग है, यानी कि, और बीच में क्या है, नॉट आना चाहिए। तो ये बन जाएगा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कुकू स्कूल नहीं जा रही है, इस कुकू नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। जैसे इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे पता चलता है कि काम परफेक्शन से कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके ही हैं, ये जब वाक्य जानने की पहचान होती है। हाँ, हिंदी में जहाँ पर भी चुके हैं, चुकी हूँ, ये सब लिखा है, इसका मतलब है कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सकारात्मक वाक्य देख लेते हैं। यहाँ पर आप कभी भी देखेंगे, चाहे जो भी अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, सब जगह चुका है आएगा, गया है आएगा, जाया है, देखा है, ठीक है, गए हैं का मतलब जा चुके हैं, तो जरूर नहीं चुके ही है, हम देखेंगे खा चुका है या फिर उसने खाया है, बात एक ही है। पेन दे चुका है, पेन दे दिया है, बात एक ही है, ठीक है। मैं सकारात्मक वाक्य अगर आप देखें, सकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, हैज़ और हैव यहाँ पर दो ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं वर्ब से पहले। हैज़ कहाँ पर आता है, हैव कहाँ पर आता है, ये देखना है आपको, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, समझ गए। सिंगुलर के साथ आपको हैज़ ही लेना है, सिंगुलर के साथ हैव नहीं लेंगे कभी, बस ये आप ध्यान रखिए। सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, हमने आपको नाउन के चैप्टर में बताया हुआ है। अब सेंटेंस देख लेते हैं तुरंत। बंटी स्कूल जा चुका है, या फिर अगर यहाँ पर ये भी लिखा होता कि बंटी स्कूल गया है, तो मनाते बंटी हैज़ गोन टू स्कूल। अगर बंटी के साथ हैव लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर बंटी के साथ मैं एक और ले लूँ कि बंटी, ठीक है, बंटी है और उसके साथ जतिन है, बंटी एंड जतिन, तो अब हैज़ नहीं आएगा, अब क्या आएगा, हैव। बंटी एंड जतिन हैव गॉन टू स्कूल, ये होगा यहाँ पर, ठीक। मैंने तुम्हें देख लिया है, तो यहाँ पर होगा आई हैव सीन यू। आई के साथ क्या लेंगे, हैव। थर्ड फॉर्म सी की क्या होती है, सीन। वे बाजार जा चुके हैं, तो यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन, ठीक है। यहाँ पर वेंट भी हो सकती है, दे हैव वेंट टू द मार्केट। तुमने मुझे एक पेन दे दिया है, तो यू हैव गिवन मी अ पेन। गिव, गेव, गिवन होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगी। तो किस सेंटेंस के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी, ऑक्सिलरी कौन सी लगेगी, ये बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसमें लोग गलती करते हैं। वह खाना खा चुका है, तो इसका मतलब होगा ही हैज़ ईटन द फूड, ठीक है, ही हैज़ ईटन द फूड। अगर मान लो वह के साथ एक और हम सब्जेक्ट ले लें कि वह और टिंकू खाना खा चुके हैं, तो यहाँ पर होता ही एंड टिंकू हैव ईटन द फूड होता फिर, ठीक है। जब भी प्लूरल होगा तो फिर हैव हो जाएगा। नकारात्मक वाक्य क्या होगा, हमने आपको बताया कि वर्ब से पहले और ऑक्सिलरी के बाद में यहाँ पर नॉट आना चाहिए, ठीक है। तो बंटी स्कूल नहीं गया, तो बंटी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, दे हैव नॉट गॉन टू द मार्केट, और ही हैज़ नॉट ईटन द फूड, और ही हैज़ नॉट गिवन मी द पेन। यानी कि वर्ब के पहले, ऑक्सिलरी के बाद में नॉट आना चाहिए हमेशा, हर सेंटेंस में, हर तरह के सेंटेंस में चीज़ काम करेगी। आप स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान कर लीजिए नकारात्मक के लिए, हैज़ नॉट मतलब वर्ब के पहले और ऑक्सिलरी के बाद में, यहाँ पर बीच में नॉट आना चाहिए। प्रश्नवाचक में क्या होता है कि हमेशा ऑक्सिलरी पहले आ जाती है सब्जेक्ट से, लगभग ये हर सेंटेंस में काम करेगा। अब अपने जब हम लोग पढ़ रहे थे अपना सिंपल पास्ट वाला, तो वहाँ पर डू डज आ जा रहा था, यहाँ पर हैज़ हैव आ जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो पहचान यही होती है कि यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी आ जाएगी, हैज़ बंटी गॉन टू द स्कूल, हैव आई सीन यू, हैव यू गिवन मी द पेन, हैव दे गॉन टू द मार्केट, हैज़ ही ईटन द फूड, वही चीज़ें यहाँ पर काम करेंगी। अगर यहाँ पर हम दो लोगों को लेते हैं, वह और टिंकू, तो यहाँ पर हो जाता हैव, हैव ही एंड टिंकू, हैव ही एंड टिंकू ईटन द फूड, ये हो जाता हैव ही एंड टिंकू ईटन द फूड, ये हो जाता। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना भी बहुत आसान है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट और वर्ब से पहले नॉट लगेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हैज़ हैव पहले आ जाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है, तो हैज़ पंटी नॉट गॉन टू स्कूल हो जाएगा, हैव आई नॉट सीन यू हो जाएगा, हैव दे नॉट गॉन टू द मार्केट होगा, सॉरी ये गलत लिख गए यहाँ पर, ठीक है, ये गलत कॉपी हो गए। क्या तुमने मुझे एक पेन नहीं दिया है, तो हैव यू नॉट गिवन मी द पेन। इनमें अगर आप देखें फोर्थ और फिफ्थ वाले में है क्या, ये हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनको निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। क्या वे बाजार नहीं जा चुके हैं, क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं, इनके इंग्लिश काउंटर पार्ट में भी यही कर दीजिए, हैज़ ही
नॉट ईटन द फूड और हैव दे नॉट गॉन टू द मार्केट, बस हो जाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाना बहुत आसान है, उसमें नॉट इंसर्ट करना है, सही जगह पर इंसर्ट करना है, ये बस ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब से पहले। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये होता है कि चल रहे कार्य के साथ समय का वर्णन होता है कि कार्य जो है कितने समय से चल रहा है, ये एक मतलब इसकी पहचान होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से अलग कैसे है, उसमें भी रहा है रही है होता है रहे हैं होता है, लेकिन उसमें काल का मेंशन नहीं होता कि कितनी देर से हो रहा है कार्य, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं बताया जाता है कि कितने समय से कार्य हो रहा है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बताया जाता है कि कितने समय से कार्य हो रहा है। इसका फॉर्मेशन आप देखिए, यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हैज़ हैव आता है, फिर बीन आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसको अलग बनाती है, बीन यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और एक और पेक्यूलर चीज़ क्या आती है, फॉर या सिंस और टाइम, ठीक है। सिंस का उपयोग होता है किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी कि निश्चित समय के लिए, और फॉर का उपयोग होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो सिंस और फॉर आपको दिखा देते हैं जिससे आपको पता रहे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है। देखिए सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि हमें पता है किस पॉइंट से कब तक, किस पॉइंट से शुरू हुआ, 3 AM, 5 PM, ये पॉइंट है टाइम के, ठीक है, ये बिंदु है। लेकिन फॉर क्या होता है कि फॉर में क्या होता है कि इसमें बताते हैं कि कितने समय से, ड्यूरेशन 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर हमने 2 o'clock से 5 o'clock कर दिया कि वो 2 बजे से कार्य कर रहा है या 5 बजे से कर रहा है, यहाँ पर हमने बता दिया कि वो 1 घंटे से कर रहा है, 2 घंटे से कर रहा है, या 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट से कर रहा है, तो ये ड्यूरेशन हो गए। ये क्या हो गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गए, और ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गए। पॉइंट ऑफ टाइम 1947 ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 2017 ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 आवर, 5 आवर्स या ईयर भी ले लीजिए, 1 ईयर, ये भी हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये फ़र्क है यहाँ पर कैसे सिंस और फॉर का यूज़ करना है, होप आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर सेंटेंस पर आ जाते हैं, सुभद्रा 9 बजे से टीवी देख रही है, सुभद्रा हैज़ बीन वॉचिंग टीवी हो गया यहाँ पर, हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock। ईसा 5 बजे से खेल रहा है, ईसा हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। अब मिला लीजिए हमने रूल सही फॉलो किया या फिर नहीं, सब्जेक्ट क्या है, सुभद्रा है, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट के साथ हमने ऑक्सिलरी क्या लेनी है, हैज़ बीन, उसके बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है प्लस उसमें आईएनजी लगा होना चाहिए, तो वॉच का वॉचिंग हो गया। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, टीवी लिखा नहीं है, लिख दिया हमने वॉचिंग टीवी। उसके बाद आपको लेना है सिंस या फॉर टाइम के हिसाब से, टाइम कैसा दिया हुआ है, टाइम हमको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है 9 बजे, तो हम यहाँ लेंगे सिंस। अगर यहाँ पर लिखा होता कि सुभद्रा 3 घंटे से टीवी देख रही है, ये लिखा होता सपोज सुभद्रा 3 घंटे से टीवी देख रही है, तब हम लिखते फॉर थ्री आवर्स, सुभद्रा हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स, अगर 3 घंटे दिया होता तो। ईसा 5 बजे से खेल रहा है, ठीक है, तो हमने लिखा ईसा हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। अगर यहाँ पर लिखा होता कि ईसा 1 घंटे से खेल रहा है, तो हम लिखते ईसा हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। तुम 7 बजे से गाना गा रहे हो, यू हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 7 o'clock, मैं 2 मिनट से आपके लिए रुका हुआ हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 मिनट्स, ये होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से इनके निगेट प्रश्नवाचक बना लीजिए, वही चीज़ होगी, यहाँ पर ऑक्सिलरी पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ बीन और बाकी चीज़ें वैसे ही काम करेंगे। ऑक्सिलरी पहले, सब्जेक्ट्स पहले ऑक्सिलरी, हैज़ सुभद्रा बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock, हैज बंटी बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, ठीक है, तो बंटी सब्जेक्ट है, उसके पहले ऑक्सिलरी आ जाएगी अगर हमको प्रश्नवाचक बनाना है। तो अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं के पहले क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, क्योंकि आई के साथ हैव लेते हैं, आपको पता है, ठीक है। हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, हैज बंटी बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ये गलती करते हैं, यहाँ पर हैज़ बीन बंटी प्लेइंग ऐसे करके आपको देता है गलत सेंटेंस, वो उसको आपको सही करके लिखना होता है, ठीक है। तो जनरली यही करता है कि बीन यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले दे देते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर बीन आएगा रूल में, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। क्या तुम 7 बजे से गाना गा रहे हो, तो यहाँ पर यू के साथ कौन सी ऑक्सिलरी लेते हैं, हैव लेते हैं, तो यहाँ पर होगा हैव यू बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 7 o'clock, हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। जब भी गलत सेंटेंस आपको बनाएगा तो बीन पहले दे देगा, हैव बीन आई वेटिंग फॉर यू ऐसे करके देगा, और आपको उसमें एरर सही करनी होगी।
तो आप समझ गए होंगे। अब हमने इसमें इंट्रोगेटिव देख लिया, अब देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। वही चीज़ है यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद में नॉट और ऑक्सिलरी के पहले में नॉट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे क्या जो जो 9 बजे से टीवी नहीं देख रही, तो हैज़ जो जो नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock। जब भी आप गलत बनाएगा तो बीन नॉट दे देता है, ठीक है। बीन नॉट आपके पेपर में दे देते हैं जब भी आपको रॉन्ग सेंटेंस सही करने को आता है, एरर वाला सेंटेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि हैज़ सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट बीन आएगा। बीन नॉट कभी भी नहीं होता है। हैज़ सरताज नॉट बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। क्या मैं 3 घंटे से अध्ययन नहीं कर रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन स्टडिंग सिंस 3 आवर्स। निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या फ़र्क रहा? पिछले हमने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वहाँ पर बस नॉट नहीं लगा था आई के बाद। हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, तो यहाँ पर हो जाता इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नॉट लगा दिए यहाँ पर, क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। बस यही है यहाँ पर, बहुत आसानी से अब आप समझते हुए जा रहे होंगे आई होप। ये हमने दिखाई दिया आपको सिंस और फॉर का यूज़। सिंस और फॉर के कुछ और यूज़ देख सकते हैं। मंडे ट्यूसडे संडे कहीं भी लिखा होगा तो उसके साथ हम लोग सिंस यूज़ करेंगे। 1 day, 2 weeks, 5 weeks, 10 weeks लिखा होगा तो फॉर यूज़ करेंगे उसके साथ। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून के साथ हम लोग सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 years, 5 years, 10 years के लिए फॉर। येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे के लिए सिंस, और फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल के लिए फॉर। और सिंस दैट डे होता है, और फॉर मैनी आवर्स होता है, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स होता है। ये कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, मतलब ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। अब हम सामान्य भूतकाल पर आ जाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में हाल ही में कोई घटना घटी ये बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी पहचान कैसे होती है? हिंदी में जो सेंटेंस जब लिखा रहेगा यी यी ये से, और या फिर आ ई ए से। इसको और अच्छे से समझाते हैं आपको। गया, गई, गए, ठीक है। आए, आई, आए, ठीक है। खाए, खाई, खाया, ठीक है। आया, आई, आए, समझ गए आप? तो ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होगा। जैसे कि करण आया, सूर्य निकला, मैंने पूछा, वह गया, वह आया, ये सब हो जाएंगे आपके सिंपल पास्ट टेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का देखते हैं। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। वो आपकी सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है? वी टू अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट के में, ठीक है। तो केवल एक ही जगह आपको जनरली वी टू का यूज़ देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जब हम निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने लगती है, सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो एरर बनाते हैं वैसे ही देते हैं आपको, डिड नॉट के साथ वी टू लगा करके देते हैं और आप उसमें समझ नहीं पाते हैं। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब भी डिड जब आता है सब्जेक्ट के पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि जहाँ भी डिड होगा वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर सिंपल पास्ट लिखना है तब कहीं जाके वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से निगेटिव इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आइए चलिए अब इसको जल्दी समराइज कर लेते हैं। सिंपल पास्ट कैसे बनाते हैं? सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और ऑब्जेक्ट लेना है, अगर प्रेजेंट है तो, अगर नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। जैसे करण आया, यहाँ पर खाली सब्जेक्ट है और वर्ब लेना है, तो सब्जेक्ट क्या है? करण है। वर्ब क्या है? कम होनी चाहिए यहाँ पर। वर्ब की सेकेंड, कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? होती है केम। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम होती है। तो कुछ की वर्ब की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ही आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा करण सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि केम, तो करण केम। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट जोड़ना होता तो हम होम जोड़ देते, करण केम होम, करण घर आया। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था तो हमने सब्जेक्ट नहीं लिया। बहुत आसान होता है सिंपल पास्ट टेंस। वी टू लगाना है सब्जेक्ट के साथ, बस इतना ध्यान रखिए। सब्जेक्ट यहाँ पर अब क्या है? सन है, तो सन के साथ हमको राइस की सेकेंड फॉर्म लेनी है। राइस की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? रोज हो जाएगी। सोनम ने मेरे से पूछा, सोनम आस्क्ड मी हो जाएगा। आस्क की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? आस्क्ड होती है, ईडी लग जाता है, तो सोनम आस्क्ड मी हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस जब भी इसका बनता है तो सब्जेक्ट के साथ डॉट नॉट के पहले डिड आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिड नॉट आता है चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। ये एक फ़ायदा होता है, याद करना हमको नहीं पड़ता अलग से। सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, निगेटिव सेंटेंस जब भी बनेगा पास्ट का तो उसमें डिड नॉट आता है, ठीक है। या फिर इसको डिड एंटी करके लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो डिड नॉट होता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती इसमें। जब भी आपको गलत देता है तो वो आपकी सेकंड फॉर्म लगा करके देते हैं सही करने को। तो डिड जब भी होगा, डिड नॉट जब भी होगा, तो सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जैसे त्रिवेदी नहीं आया तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिवेदी डिड नॉट कम,
एग्जामिनेशन में आपको केम करके ही देते हैं ज़्यादातर में। यहाँ पर होगा द सन डिड नॉट राइज, अगर किसी ने द सन डिड नॉट रोज लिख दिया तो गलत हो जाएगा। नैनिका ने मेरे से नहीं पूछा तो नैनिका डिड नॉट आस्क मी होगा, आस्क डे यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में क्या रहता है, यहाँ पर सबसे पहले ऑक्जिलरी आ जाती है, डिड आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म सॉरी फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकेंड फॉर्म कभी भी नहीं आती है अगर हम पास्ट का इंट्रोगेटिव या निगेटिव बना रहे हैं तो। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तब भी सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। तो जैसे करण आया हमने बोला था तो हमने कहा था कि करण केम, लेकिन अगर हम बोलेंगे करण क्या करण आया तो हम लिखेंगे डिड करण केम, सॉरी डिड करण कम। क्या सूर्य निकला तो डिड द सन राइज होगा, यहाँ पर रोज नहीं होगा। डिड नैनिका आस्क मी, क्या नैनिका ने मेरे से पूछा तो यहाँ पर होगा डिड नैनिका आस्क मी, ठीक है। अगर इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना तो हम लिख देंगे डिड नॉट नैनिका आस्क मी, ठीक है, डिड नॉट नैनिका आस्क मी, इस प्रकार से बनेगा। क्या हम बाजार गए, डिड वी गो टू द मार्केट, ठीक है, हमने यहाँ पर गॉन नहीं लिया, सेकेंड फॉर्म नहीं लेते हैं। डिड गॉड सेव मी होगा, जिसने सेव्ड कर दिया यहाँ पर उसका गलत हो जाएगा। अगर आपको सिंपल लिखना है, अगर आपको लिखना है भगवान ने मुझे बचाया तो आप लिख सकते हैं गॉड सेव्ड मी, लेकिन इसका अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिड गॉड सेव मी, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। निगेटिव इंट्रोगेटिव भी ऐसे ही बनता है, यहाँ पर लिखा हुआ जैसे क्या राजेश नहीं आया तो डिड राजेश नॉट कम होगा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने ली है वी वन। क्या सूर्य नहीं निकला तो डिड द सन नॉट राइज, क्या नैनिका ने मुझसे नहीं पूछा, डिड नैनिका नॉट आस्क मी, हमने बताया आपको। डिड गॉड नॉट सेव मी, क्या हम बाजार नहीं गए, डिड वी नॉट गो टू द मार्केट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो ये निरंतर और अपूर्ण भूतकाल के रूप में प्रयोग होता है, इसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि ये दिखाने के लिए होता है भूतकाल में कोई क्रिया चल रही थी, ठीक है, तो रहा है, रही है, रही रही है, ये हम लोग इसमें पढ़ते थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब यहाँ पर है को बस था कर देना है, रहा है का हो जाएगा रहा था, रही है का हो जाएगा रही थी, और रहे है का हो जाएगा रहे थे, तभी हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका देखते हैं हम लोग, मैं स्कूल जा रहा था, वे गाना गा रहे थे, मैं रास्ते से जा रहा था, सोनम या सोनाली जो भी आम खा रही थी वे आ रहे थे, रहे थे हो जाएगा इसकी पहचान। तो अफर्मेटिव इसका देख लेते हैं हम, कर्ता यहाँ पर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका वॉज या वर आएगा, ठीक है, सिंगुलर के साथ हम लोग लेंगे वॉज और प्लूरल के साथ वर लेंगे, बस इतना यहाँ पर अंतर हो जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट है तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, आई एक सिंगुलर पर्सन है तो यहाँ पर हमने वॉज लिया, वर ने लिखा है, ठीक है, और गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। दे यहाँ पर क्या है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है, दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो यहाँ पर हो जाएगा वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वह आ रहे थे, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा सिंगुलर, उसके साथ हमने लिया है वॉज, वर नहीं लिया है। सोनाली आम खा रही थी तो सोनाली एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर लिया उसके लिए वॉज। अगर यहाँ पर होता सोनाली और सोना, दो लड़कियाँ होती, सोनाली और सोना जो है आम खा रही थी, तो हम लेते सोनाली एंड सोना वर ईटिंग द मैंगो, ठीक है, तब हम लोग वर ले लेते। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हमको ऑक्सिलरी के बाद नॉट लेना है और वर्ब से पहले नॉट लेना है, हमेशा की तरह यही होगा इसमें। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, सोनाली वॉज नॉट ईटिंग द मैंगो, अगर यहाँ पर सोना हो जाता सोनाली एंड सोना, वर नॉट ईटिंग द मैंगो हो जाता, वह नहीं आ रहे थे तो ही वॉज नॉट कमिंग, दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यू वर नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है, यू के साथ वर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, सेकेंड पर्सन के साथ वर लेते हैं, ठीक है। वर किसके साथ लेंगे, वर लेंगे यू के साथ यानी सेकंड पर्सन के साथ, और थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, ध्यान रखिएगा सिंगुलर के साथ नहीं, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, तो यू के साथ हम लोग वर लेंगे, बाकी सब के लिए हम लोग वॉज लेंगे ऑक्सिलरी। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, वॉज वर लगेगा यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो वर लगेगा, यू है तो वर लगेगा वरना वॉज लगेगा, और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी लगेगा उसके साथ, ऑब्जेक्ट लगेगा अगर है सेंटेंस में तो, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। क्या मैं स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी लिया है, वॉज आई गोइंग टू स्कूल, ठीक है, दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मान लीजिए ये है, आपको इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या लेंगे, हम लेंगे वर सबसे पहले, फिर लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे है, उसके बाद हमको नॉट लेना है, वर दे नॉट,
उसके बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी लगाना है उसमें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग है, एनजी लगेगा उसमें, वर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, बस बना दिया हमने। इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है, ये एक हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी निगेटिव सेंटेंस है, हमको इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसका, ही वॉज नॉट कमिंग, तो हम लिख देंगे वॉज ही नॉट कमिंग, सॉरी वॉज ही नॉट कमिंग, ठीक है। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले वॉज वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से नॉट आ जाएगा, नॉट सब्जेक्ट के बाद में आता है हमेशा, वर्ब के पहले आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कमिंग यहाँ पर वर्ब है तो इससे पहले आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर वॉज ही है तो इसके बीच में आएगा नॉट, और वॉज सबसे पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म करना है। वॉज सोनाली नॉट ईटिंग मैंगो, वर यू नॉट रीडिंग द बुक, वॉज नॉट, वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, इस प्रकार से बनेगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। एक निश्चित समय पर कार्य पूरा हो जाता है ये व्यक्त करने के लिए पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये यहां पर आएगा, ठीक है। और गया था, गई थी, गए थे, ये भी होता है यहां पर। गया था का मतलब कि वह स्कूल जा चुका था, तुम बाजार कल गए थे यानी कि तुम बाजार होके आ चुके हो। पूर्ण भूतकाल कैसे बनता है हम इसको देख लेते हैं। पूर्ण भूतकाल बनता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, इसमें ऑक्सिलरी जो लेते हैं वो हैड लेते हैं, ठीक है, और इसमें हैड ही लेते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा और ऑब्जेक्ट आएगा, तो बहुत आसान है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जैसे वह आज नाचा था तो ही सब्जेक्ट हो गया, हैड क्या ऑक्सिलरी हो गई, डांस्ड क्या है, डांस की थर्ड फॉर्म हो गई, और टुडे हमने लगा दिया। दे हैड फॉरगेटन द मनी, वे पैसे भूल गए थे, तो दे यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल, उसके साथ हमने लिया हैड। फॉरगॉट की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन, फॉरगॉट की थर्ड फॉर्म क्या होती है फॉरगॉटन, और फॉरगॉटन द मनी, ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, ये ऑब्जेक्ट अगर है तो लगाते हैं वरना नहीं लगाते हैं। अब इसका आपको निगेटिव बनाना है तो हम इसमें हैड के बाद नॉट लगा देंगे, सिंपली हैड, जहाँ हैड के बाद नॉट लगा दीजिए आप ऑक्सिलरी के बाद में, और वर्ब से पहले आपको नॉट लगाना है। तो यू हैड नॉट गॉन टू द मार्केट यस्टरडे, संगीता हैड नॉट कम हेयर, बन जाएगा इसका निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले ऑक्सिलरी आ जाएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। हैड यू गॉन टू द मार्केट यस्टरडे, हैड संगीता कम हेयर, हैड ही डांस टूडे, हैड दे फॉरगॉटन द मनी, ठीक है। मतलब कि आपको सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी ले लेना है और बाकी सब चीज़ वैसी रहेगी। इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट में और अफर्मेटिव पास्ट परफेक्ट में बस यही अंतर होता है, ये चीज़ें इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, हैड बाद में आता है, और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हैड पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। बात कर ली हमने निगेटिव सेंटेंस की, अब बात कर लेते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक की। नकारात्मक प्रश्नवाचक कैसे बनता है, हैड आपको लेना है, सब्जेक्ट भी लेना है, बस नॉट लगा देना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, वर्ब से पहले लगाना है। तो हैड आई नॉट गॉन टू स्कूल, हैड यू नॉट गॉन टू द मार्केट यस्टरडे, हैड संगीता नॉट कम हेयर, ठीक है, हैड ही नॉट डांस्ड यस्टरडे, हैड दे नॉट फॉरगॉटन द मनी, ठीक है। नॉट की पोजीशन बस आपको ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट के बाद में लगाना है, वर्ब से पहले लगाना है, ऐसा सब में ध्यान रखिए आप, सारे कर ले जाएंगे। तो नकारात्मक प्रश्नवाचक हमारा बन गया पास्ट परफेक्ट का। बढ़ते हैं आगे हम लोग, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर लेते हैं। किसी समय में ऐसा वाक्य व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं जब पूर्ण निरंतर भूतकाल का प्रयोग किया जाता है और क्रिया का होना बताते हैं। ता आ रहा था, ता ती आ रही थी, ते आ रहे थे, ठीक है। करता आ रहा था, जाता आ रहा था, खाता आ रहा था, सोता आ रहा था, पढ़ता आ रहा था, पढ़ाता आ रहा था, पढ़ाती आ रही थी, ये सारे होंगे इसमें, ठीक है। इसमें भी सिंस और फॉर का यूज़ देखने को मिलेगा, सिंस और फॉर का यूज़ वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, वैसे ही करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, यहाँ पर हैड बीन आ जाएगा, ठीक है। आप देखोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक ही डिफरेंस है हैड का, ठीक है। उसमें हैज बीन हुआ करता था, हैव बीन हुआ करता था, इसमें है हैड बीन। सोनम यहाँ 25 साल से रह रही थी, ठीक है। रह रही थी का मतलब है रहती आ रही थी। तुम सुबह 9 बजे से खेल रहे थे, खेल रहे थे का मतलब है खेलते आ रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपने ये अंतर देखा होगा, यहाँ टाइम दिया रहता है। अगर यहाँ पर हम सुबह 9 बजे से हटा दें, यहाँ पर लिखा हो खाली कि तुम सुबह सुबह से खेल रहे थे, या फिर हम लिख दें तुम खेल रहे थे, सिंपली तुम खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा कि यू वर प्लेइंग, सिंपल। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा, ये हमारा
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने यहाँ पर टाइम दे दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया तुम सुबह से खेल रहे थे, तब ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से आपको बारीकियाँ समझनी है। तुम सुबह 9 बजे से खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता कि तुम 9 घंटे पहले से खेल रहे थे तो यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 9 आवर्स लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। वह रात 10 बजे से टीवी देख रहा था तो ही हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 10 o'clock night। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं उसके साथ, ठीक है। हैड बीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, यहाँ पर हैड बीन ही लगेगा, इसको हैज बीन नहीं कर दीजिएगा, वरना आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना देंगे। नकारात्मक इसका कैसे बनता है, आपको हैड नॉट बीन करना है बस, ठीक है, हैड नॉट बीन करना है। सोनम हैड नॉट बीन लिविंग, ठीक है, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग। नॉट बीन का ध्यान रखिएगा, ये बीन नॉट करके बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ करने का प्रयास करते हैं एग्जाम में, बीन नॉट दे देते हैं, आपको सही पहचानना होता है उसमें। यहाँ पर दे देंगे आपको ही हैड बीन नॉट वॉचिंग टी वी सिंस 10 o'clock night, जबकि आपको पता होगा कि नॉट बीन होता है, बीन नॉट नहीं होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन बस ध्यान रखते हुए चलिएगा। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आएगी, इसमें ऑब्जेक्ट आएगा और बाकी कोई चेंज नहीं रहेगा। उसी प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य अगर हम देख लें, हम प्रश्नवाचक में क्या होगा कि सबसे पहले ऑक्सिलरी आती है हमेशा ही, उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाएगी। क्या सोनम यहाँ 25 साल से रह रही है, तो हैड सोनम बीन लिविंग हेयर देयर फॉर 25 ईयर्स। क्या तुम सुबह 9 बजे से खेल रहे थे, हैड यू बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock morning। क्या वह रात 10 बजे से टीवी देख रहा था, हैड ही बीन वॉचिंग टीवी सिंस 10 o'clock night। निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो बस यहाँ पर यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे प्रश्नवाचक में, यहाँ पर बीन है, उसके बाद यहाँ पर नॉट बीन कर देंगे तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे बस नॉट बीन करना है, नॉट बीन का फ़र्क है, बाकी सब वैसा के वैसा ही फॉर्मेशन है प्रश्नवाचक में और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य में, ठीक है। नॉट बीन हो जाएगा यहाँ पर। हैड सोनम नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 25 ईयर्स, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock morning, हैड ही नॉट वॉचिंग टी वी सिंस 10 o'clock night। तो हैड ही के पहले हमने, हैड ही के बाद हमने नॉट कर दिया, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट कर दिया, बाकी इन सेंटेंसेस में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने नॉट लगाया, यहाँ पर नॉट लगाया, यहाँ पर नॉट लगाया, तो ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल आपको पता है भविष्यकाल बताने के लिए होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में गा गी के होगा, वो जाएगा, वो खाएगा, वो जाएंगे, वो खाएंगे, वो करेंगे, वो सोएंगे, वो मतलब लेटेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो गे गा गी गे यहाँ पर पहचान होगी, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब सकारात्मक वाक्य इसका देख लेते हैं कैसे बनेगा। इसकी ऑक्सिलरी विल होती है, ऑक्सिलरी जरूर ध्यान रखिएगा अलग अलग सेंटेंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी लग रही है। इसमें ऑक्सिलरी लग रही है विल, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा अगर चाहिए सेंटेंस को तो, वरना नहीं आएगा। तो मैं तुमसे कल मिलूंगा, गा गी गे जाओगे, जीतेंगे, खाएंगे, ये होगा यहाँ पर। मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू विल गो टू द मार्केट टुमारो, वी विल विन द मैच, ही विल ईट मैंगो, ठीक है। अगर यहाँ पर आम ना होता, वह खाएगा होता, तो यहाँ पर लिख देते ही विल ईट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हटा देते हम, वी विल विन द मैच। ये सकारात्मक बहुत ईजी है। अब बस नकारात्मक भी इजी है, विल के बाद आपको नॉट लगाना है, ठीक है, ऑक्सिलरी के बाद वर्ब से पहले नॉट लगना है, ये ध्यान रखिएगा। आई विल नॉट मीट यू टुमारो, ही विल नॉट ईट मैंगो, यू विल नॉट गो टू द मार्केट टुमारो, वी विल नॉट विन द मैच। नॉट कहाँ पर लगा है, नॉट पोजीशन ध्यान रखना जरूरी है। आई विल नॉट मीट यू, तो हमने वर्ब से पहले और ऑक्सिलरी के बाद में लगाया नॉट। नकारात्मक प्रश्नवाचक क्या है कि विल लगता है सबसे पहले, सॉरी अगर हम प्रश्नवाचक बना लें तो इसमें नॉट नहीं लगेगा, और प्रश्नवाचक नकारात्मक प्रश्नवाचक बनाना हो तो नॉट लग जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए। मैं तुमसे कल नहीं मिलूंगा, तो विल आई नॉट मीट यू टुमारो, अगर यहाँ पर होता क्या मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो यहाँ पर हम नॉट ना लगाते, विल आई मीट यू टुमारो कर देते। तो नकारात्मक प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक में कोई इतना अंतर नहीं है, ठीक है, तो हमने इसको एक ही साथ ले लिया है। आप देखोगे वह आम नहीं खाएगा, ठीक है, तो ही विल नॉट ईट मैंगो होगा। अगर यहाँ पर लिख दें हम कि वह आम नहीं खाएगा,
सॉरी, अगर हम ये लिख दें कि क्या वह आम खाएगा, तो यहाँ पर हमको नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपली हो जाएगा विल ही ईट मैंगो, क्या हम मैच जीतेंगे, अगर ये हो यहाँ पर तो हम लिख देंगे वी विल विन द मैच, विल वी विन द मैच, क्या तुम कल बाजार जाओगे, अगर यहाँ पर होता तो हम लिखेंगे विल यू गो टू द मार्केट टुमारो, क्या मैं तुमसे कल मिलूंगा, अगर यहाँ पर ये लिखना हो तो हम यहाँ पर नॉट हटा देंगे, जहाँ जहाँ पर नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा नकारात्मक प्रश्नवाचक। ये बस अंतर होता है छोटा सा निगेटिव इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि भविष्यकाल में कोई घटना जारी रहेगी, ये बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो निरंतर या पूर्ण भविष्यकाल जो होता है, जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इसको बोलते हैं, तो क्रिया के अंत में रहा और उसके बाद में होगा या होगी लगाया जाता है। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जा रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, सो रहे होंगे, ये यहाँ पर आएगा पहचान है। तो सोनम स्कूल जा रही होगी यहाँ पर है, तो यहाँ पर विल के साथ बी लेते हैं हम, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी में क्या चेंज हुआ, विल का बना दिया हमने विल बी, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसमें वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज करना है। तो सोनम विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। शीतल नाच रही होगी, तो शीतल विल बी डांसिंग। तुम अभी टीवी देख रहे होगे, तो यू विल बी वॉचिंग टीवी नाउ। और वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तो ही विल बी वेटिंग फॉर यू। अगर हमको इसका बनाना हो नकारात्मक, तो हमको विल नॉट बी लगाना होगा। विल नॉट बी, ये फॉर्मेशन ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि विल बी नॉट आपको एग्जाम में दे देता है कभी कभी। ध्यान रखिएगा, विल बी नॉट देगा आपको, विल नॉट बी ध्यान रखना है। सोनम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल आपको जब एरर बनाने को देता है, तो एग्जाम में सीसैट में आता है कि विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल। वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा, तो ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। शीतल नहीं नाच रही होगी, तो ही शी विल नॉट बी डांसिंग। अगर हमको इसका बनाना हो प्रश्नवाचक, तो हम यहाँ पर विल पहले ले आएंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद बी रहेगा, ठीक है। विल बी सोनम गोइंग टू स्कूल ऐसे करके देगा आपको सेंटेंस में, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मेशन ये होता है जो हमने यहाँ पर लाल से लिखा हुआ है। विल के बाद सब्जेक्ट आ जाया करेगा, उसके बाद बी आ जाया करेगा, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ing लगेगी उसके साथ। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सोनम है, तो सोनम से पहले विल आएगा और सोनम के बाद बी आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह है, यानी कि ही है, तो ही से पहले विल आएगा और ही के बाद बी आएगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शीतल है, तो शीतल के बाद बी आएगा और शीतल से पहले विल आएगा। समझ गया, ये आपको बारीक ध्यान रखना है। तो ये समझ गए हो गया आप, क्या शीतल नाच रही होगी, तो विल शीतल बी डांसिंग। नकारात्मक प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, नकारात्मक प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, मैंने जानबूझकर यहां पर ऐसा लिया है, आप बताइए ये कैसे बनाएंगे। विल सोनम, अब नॉट कहाँ लगना है, बी किस पहले लगना है, ठीक है। विल सोनम नॉट बी डांसिंग, ऐसे यहां पर बनेगा। विल सोनम बी नॉट डांसिंग ऐसे करके दे सकता है आपको, छोटी छोटी एरर बनाने के लिए ऐसे ही इधर उधर करते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि नॉट जो है बी से पहले आएगा, बी के बाद में नहीं, ये फॉर्मेशन ध्यान रखना जरूरी है। क्या वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, अगर हमको बनाना हो, क्या वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अगर ये हो तो यहाँ पर हो जाएगा विल ही नॉट बी वेटिंग फॉर यू, विल ही नॉट बी वेटिंग फॉर यू। क्या शीतल नाच रही होगी, अगर यहाँ पर लिखना हो क्या शीतल नहीं नाच रही होगी, तो यहाँ पर होगा विल शीतल नॉट बी डांसिंग। तो ये यहाँ पर मतलब सूक्ष्म अंतर था जो मैं हमने आपको बताना था, नकारात्मक प्रश्नवाचक जब हम फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि भविष्यकाल में जो क्रिया पूर्ण हो गई होगी उसको बताने के लिए, तो चुकी होगी, चुके होंगे, खा चुके होंगे, या फिर होगा, होगी, होंगा, आएगा, इसमें दिखाते हैं आपको। जैसे वह बाजार जा चुका होगा, सोनम घर नहीं आई होगी, तुमने खबर नहीं सुनी होगी, ये सारे आ जाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो फॉर्मेशन कैसे बनता है इसका, विल हैव यहाँ पर लगता है, ठीक है। विल हैव, विल हैज यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, यहाँ पर विल हैव का ही प्रयोग करेंगे। सोनम घर नहीं आई होगी, तो सोनम विल नॉट हैव कम होम। तुमने खबर नहीं सुनी होगी, तो यू विल नॉट हैव हर्ड दिस न्यूज़, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, तो यहाँ पर कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड होती है, इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है वह बाजार नहीं जा चुका होगा। तो इसकी क्या होगी, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, यहाँ पर हो जाएगा ही विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। सब्जेक्ट क्या है, ही है, उसके बाद विल लेना है हमको, विल हैव लेना है,
विल हैव लेना चाहिए था क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से हम लेंगे यहाँ पर विल नॉट हैव, ठीक है, ही विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। इसका अफर्मेटिव बनाना, तो जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ हटा दीजिए, नहीं नॉट हटा दीजिए, बस बन जाएगा, जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ नॉट हटा दीजिए। तुमने ये खबर सुनी होगी अगर हमको लिखना हो, तो यहाँ पर हो जाएगा यू विल हैव हर्ड दिस न्यूज़, ठीक है, तब ये अफर्मेटिव हो जाएगा। अभी हम ये निगेटिव सेंटेंस देख रहे थे, निगेटिव सेंटेंस में बस हमको नॉट हैव करना है, ठीक है, नॉट का पोजिशन ध्यान रखिएगा, विल हैव नॉट नहीं होगा, विल नॉट हैव होगा, नॉट की पोजिशन ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अफर्मेटिव निगेटिव में यही फ़र्क हमने बताने के लिए लिखा था ये। तो सोनम घर नहीं आई होगी, अगर हमको इसको अफर्मेटिव बनाना हो तो नहीं हटा देंगे, सोनम घर आई होगी हो जाएगा, सोनम विल हैव कम होम हो जाएगा। तुमने खबर सुनी होगी अगर हमको इसको अफर्मेटिव बनाना हो, तो यू विल हैव हर्ड दिस न्यूज़ हो जाएगा। निगेटिव अफर्मेटिव में बस नॉट का डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की टेंस की बात कर लें, तो ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे होगा, वो काम करता आ रहा होगा, वो जाता आ रहा होगा, वो खाता आ रहा होगा, वो सोता आ रहा होगा, वो उत्तीर्ण होता आ रहा होगा, वो खेलते आ रहे होंगे, वो सोता आ रहा होगा, ये सारे सेंटेंसेस में आ जाएंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का फॉर्मेशन देख लीजिए, यहाँ पर विल हैव बीन होगा, ये ऑक्सिलरी ध्यान रखिएगा, विल हैव बीन, ठीक है। तो राजू 2 घंटे से सोता आ रहा होगा, तो राजू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स यहाँ पर होगा। तुम 5 घंटे से खेलते आ रहे होगे, तो यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स। यहाँ भी सिंस और फॉर का प्रयोग भी उसी प्रकार से होगा जैसे हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनिश्चित काल है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फॉर ले रहे हैं। अगर यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होता, अगर 5 बजे होता, तो हम लेते सिंस 5 o'clock, ठीक है। राजू 2 घंटे से सोता आ रहा है, तो हमने लिखा है फॉर 2 आवर्स। अगर यहाँ पर होता राजू 2 बजे से सोता आ रहा है, तो राजू हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock लिखते, तो ये डिफरेंस है। मैं कल रात 10 बजे से टीवी देखता आ रहा हूँ, तो आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 10 o'clock लास्ट नाइट। वह सुबह 5 बजे से पढ़ता आ रहा होगा, तो ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट नाइट। तो ही विल हैव बीन ध्यान रखिएगा, अगर इसका निगेटिव बनाना है हमको, तो विल नॉट हैव बीन हो जाएगा। नॉट की पोजिशन ध्यान रखिएगा, विल के बाद नॉट, हैव से पहले, विल के बाद हैव से पहले नॉट की पोजिशन यहाँ पर ध्यान रखिएगा। राजू 2 घंटे से नहीं सोता आ रहा होगा, तो राजू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तुम 5 घंटे से क्रिकेट नहीं खेलते आ रहे हो, तो यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स। और अगर नकारात्मक प्रश्नवाचक बनाना है इसमें, तो सिंपली नॉट जो है ये नॉट हैव बीन हो जाएगा इसके साथ। विल राजू नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, विल आई नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 10 o'clock लास्ट नाइट। ये फॉर्मेशन जो है सारे टेंसेस में सबसे लंबा बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। नॉट की पोजिशन ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगेगा, और जो टाइम दिया रहेगा वो लगेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो उसी प्रकार से हमारा टेंस का चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, मतलब आपको काफ़ी सारे टेंसेस रिवाइज हो गए होंगे। अब हम जब भी एक्टिव पैसिव की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझेंगे, तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी जल्दी जल्दी क्लियर होंगे, ठीक है, और पढ़ाने में भी हमको आसानी रहेगी। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हम लोग दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।